ट्राई करो। रेत चला है इसलिए रेत पे। तो देख पा रहे हो स्टंट करते हुए, शाहिद भाई तो गिर चुके हैं नीचे, बाइक के नीचे भी आ चुके हैं भाई। आस्तर कर रहा हूँ। ऑफ रोड कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, अच्छा लगा, मजा आया, मजा आया भाई, कोई मजा आया। अभी असल भाई आपको तो हालत खराब होगी भाई, फिर भी मजा नहीं आया क्योंकि इधर पानी नहीं है, क्योंकि सूखा। कैमरामैन हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ कुछ इस तरह की जगह से, तो क्योंकि ये अचानक से प्लान बन चुका हमारा कि कहीं चलते हैं ऑफ रोड करने के लिए, चलते हैं बाइक पे, तो इसलिए मोटो व्लॉगिंग शुरू करते हैं थोड़ी सी। तो फ्रेंड का कॉल आया था मुझे कि हाँ चलते हैं जल्दी आ जाओ, तो इसीलिए अचानक ब्लॉग भी शुरू बाइक पर करना पड़ रहा है। तो देख पा रहे हो हम अभी वीरपुर वाली साइड पहुँच चुके हैं, तो हम जाएंगे आगे प्रबंडल वाले रोड में। तो गाइज़ वहाँ जाके थोड़ी स्टॉपी की प्रैक्टिस करेंगे, तो क्योंकि रोड में स्टॉपी वगैरह करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम साइड पे जा रहे हैं। वहाँ पे नाला है, तो नाले के अंदर, नाले के पास वहाँ पे ग्राउंड वगैरह है, वहाँ पे जाके ट्राई करेंगे। तो देखते हैं कहाँ पे अच्छी सी लोकेशन मिलती है, तो वहीं से वहाँ जाके ट्राई करेंगे। तो हम यहाँ पर निकल चुके हैं, अभी A4 रिजॉर्ट है जो उस रोड पर। तो गाइस देख पा रहे हो हम अब कहाँ पहुँच चुके हैं, कुछ इस तरह की जगह पे। तो ये रोड जाता है प्रमंडल की तरफ, तो हम इसी रोड पे अभी आगे तक जाने वाले हैं। तो देखते हैं कहाँ पे हमें अच्छी सी लोकेशन मिलती है, तो हम वहीं जाके कोई ऑफ रोड और थोड़े स्टंट वगैरह ट्राई करेंगे, मतलब स्टॉपी वगैरह व्हीली वगैरह ट्राई करेंगे, क्योंकि रोड पर तो अलाउड नहीं है, तो इसी वजह से हम साइड पर जा रहे हैं। तो गाइस अब हम पहुँचने वाले हैं A4 रिजॉर्ट के पास, ये सामने A4 रिजॉर्ट है। तो यहाँ पे एक साथ में 3-4 शादियाँ हो सकती हैं। तो ये देख पा बाहर से कुछ इस तरह का गेट है A4 रिजॉर्ट, तो हम निकल रहे हैं यहाँ से बस। अभी हम शॉप पे रुकेंगे और शॉप से कोई कोल्ड ड्रिंक जूस वगैरह लेंगे, तो निकलेंगे फिर ऑफ रोड के लिए। तो वो दुकान पे रुकते हैं। तो गाइस दुकान पे रुके हुए थे, तो चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने ले ली है यहाँ से, तो निकलते हैं अभी वहाँ पर। हम सामने जो लोकेशन दिख रही है गाइस, यहाँ हमने यहाँ पर जाना हुआ है, ये सामने नाला जो है, इस नाले में जाना है यहाँ हमने। तो यहाँ पहुँच के फिर हम आपको दिखाएंगे क्या क्या करते हैं, क्या क्या ट्राई करेंगे हम वहाँ पे जाके। तो ये सामने आपको जो गेट दिख रहा है, हम यहाँ से नीचे जाएंगे, फिलहाल हम आगे जाएंगे थोड़ा सा आगे काफ़ी देख के, फिर वापस आएंगे, क्योंकि आगे देखते हुए अच्छी जगह तो नहीं है आगे और कोई, तो अगर मिल गई तो हम वहीं जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पर वापस यहीं पर आएंगे। तो गाइस देख रहे हो यहाँ का व्यू, आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस जो मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, तो वीडियो को शेयर भी करना और कमेंट करके जाना, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए और भी वीडियो लेके आएँ, अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ। तो गाइस हम देख पा रहे हो हम कुछ इस तरह की जगह पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है और बजरी और रेत सिर्फ और कुछ नहीं। तो गाइस यहाँ पे हम अभी देखते हैं अच्छी सी लोकेशन ढूंढ के, तो वहीं पर हम अच्छा हमको सिखा दिया है उल्टा काम कर रहे हैं। वाह वो इतना खतरनाक, ओ धीरे भाई धीरे, ओ गिर गया भाई, रेत में क्रैश होने लगा था, ओ धीरे धीरे, ओ धीरे देखो भाई खतरनाक है। रेती रेत है और इतनी खतरनाक पेशन पे आए हुए हैं हम सारे, देख रहे हो एक शाहिद भाई एक असलम भाई दोनों लगे हुए हैं, रेत की ऊपर तबाही कर दी है भाई, तबाही तबाही हो रही है, देख पा रहे हो आप यहाँ खतरनाक लोकेशन है, यहाँ पे कोई नहीं है हमारे सिवाय, ये रोड पे मना है स्टंट वगैरह करना, लेकिन हम रोड पे नहीं है, हम साइड पर आए हुए हैं नाले के बीच, यहाँ पे ना तो गाड़ियाँ वगैरह चल रही है ना कुछ, देख पा रहे हो आप खतरनाक खतरनाक पे खतरनाक काम हो रहा है। असलम भाई की बाइक तो बच चुकी है भाई, और शाहिद भाई लगे हुए हैं खतरनाक काम पे,
रेत भी रेत फेंक रहा है ऊपर, सारी रेत भी रेत होगी। बस ओ बस कर बस कर, एक तो भाई थक चुका है वो, निकल गया बाहर। आज बचे शाहिद भाई। शाहिद भाई निकालो बाहर, आप भी निकालो बाहर, निकालो निकालो। रेत ज़्यादा है इसलिए रेत पे टायर ज़्यादा स्लिप हो रहा है। देख पा रहे हो कैसे कैसे जा रहा है। तो हम भी अब निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी देर से हुए यहाँ पे, तो बस यहाँ से निकलते हैं हम घर के लिए, तो फिर कभी आएंगे यहाँ पे। शायद भाई सुना, ऑफ रोड कैसा लगा आपको? है अच्छा लगा, अच्छा लगा, मज़ा आया? मज़ा आया भाई, कोई मज़ा आया? अभी सुनो भाई, आपको तो हालत खराब होगी भाई, देख रहा यार भाई का काम होगी यार। आजाद भाई आ रहे हैं, देखो स्टंट कैसे मारते हैं। आ रहे हैं, बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं भाई। हाँ ट्राई कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा ट्राई करो, बहुत अच्छा उठाओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड। ये हमारे असलम भाई भी है इधर, लेकिन ये इनसे चल नहीं हो रहा। देखो हमारे अजाल भाई आ रहे हैं, चल पा रहे हैं। ओके ओके, गुड गुड। मरना तेरे को डर नहीं लगता? देख भाई थोड़े से ट्राई किए हैं अभी, तो स्टॉपी तो मारी नहीं अभी, असल बिजली मारी है, तो ट्राई करते हैं स्टॉपी के लिए भी और दूसरे बाइक का भी करते हैं ट्राई अभी। okay. तो बिजली बचती है कि नहीं बचती है भाई? गुड 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 बाय। ये हमारे असल भाई हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश सब कुछ जारी है। तो गाइस असल भाई ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी स्प्लेंडर पे ट्राई कर रहे हैं, पहले पैशन पे कर रहे थे ट्राई, लेकिन नहीं हो पा रही है। अभी शाहिद भाई भी पैशन पे ट्राई कर रहे हैं, तो बिल्ली नहीं बज रही है भाई, तो मैं पैशन पे जाऊंगा अभी ट्राई करूंगा, तो देखता हूं बिल्ली मेरे से बच पाती कि नहीं भाई। मैं नहीं चुके, मैंने भाई इस पर स्टॉप ही बिल्ली मारी थी भाई, ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी लग रही है भाई। तो ये देख पा रहे शाहिद भाई, तो मैं जाता हूँ ट्राई। चलो हमारे जो शाहिद भाई थे उनके उनसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे आजाद भाई आ रहे हैं, देखो ये कैसे करते हैं। गुड गुड एंजॉय। हमारे असलम भाई थे, लेकिन इनके इनसे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोशिश बहुत की इन्होंने, लेकिन फिर भी ये थोड़ा पुराना हो चुका है बाइक, तो उसमें थोड़ी सी पावर कम लग रही है, तो मैं नया बंदा हूँ, मुझे तो करना भाई आती नहीं है व्हील वगैरह, इसलिए ट्राई कोशिश की थी मैंने, लेकिन कोशिश नाकामयाब रही, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे कभी ट्राई। तो भाई स्प्लेंडर के स्प्लेंडर नया अभी 2-3 महीने हुए निकले हुए, इसलिए भाई स्प्लेंडर में ज़्यादा पावर है, इसलिए वो जल्दी स्टॉपी जल्दी व्हीली कर रहे हैं, तो फिर से देखेंगे ट्राई मारेंगे स्प्लेंडर पर, कोशिश करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे आजाद भैया कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाकी और कुछ नहीं। एक हमारे ये कुछ नहीं, खाली रेस ऊपर बात रखते हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं होता है। ये हमारे शाहिद भैया हैं, ये हमारे असलम भैया हैं, ये हमारे आजाद भैया हैं, ये हम हैं, लेकिन फिर भी ये गिर गए यार। तो देख पा रहे हो स्टंट करते हुए भाई, शाहिद भाई तो गिर चुके हैं नीचे, बाइक के नीचे भी आ चुके हैं भाई। आस्तर कर नहीं बस कर, गर्म हो गए भाई, इन्होंने भाई रेस दे दे के बाइक भी गर्म कर दी यार, बार बार बंद हो रही है भाई। तो देख पा रहे हो गजब बेइज्जती है। तो गाइस अभी नदीम भाई हमारे शो के शुरू बोल रहे हैं, हमें भी कुछ ट्राई करना है स्टंट वगैरह कुछ, तो देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि कुछ। तो भाई सब यहाँ पे जम्मू में स्टंट वगैरह सब कुछ बंद है, तो इसलिए हम भाई सबसे ख़तरनाक जगह पे आए थे, मतलब यहाँ पे कोई वगैरह कुछ नहीं था। तो देख पा रहे हो नदीम, स्टॉप ही वाह,
वाह बेटे वाह, हैवी ड्राइवर, स्टॉपी मार दी भाई लड़के ने। देखो फ्लाइंग किस, वाह भाई वाह बेटे वाह, मौज कर दी हैवी ड्राइवर ने। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। हम आए थे इधर, लेकिन ये गांव का नाम नहीं सही है, फिर भी हम एंजॉय करने आए, चार बंदे, असलम भाई, शाहिद भाई, आजाद भाई आए, हम नदीम भाई आए हैं, लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। मजा नहीं आ रहा है, फिर भी मजा नहीं आया, क्योंकि इधर पानी नहीं है, क्योंकि सूखा पड़ा। हमको अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं डोगरे बंदे, देसी, हम देसी बंदे हैं, फिर भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इधर सब कुछ सूखा पड़ा है। तो हेलो गाइस, आज का ब्लॉग बस इतना ही, तो यहीं पे आए थे आज, तो नई लोकेशन पे, तो अगले सैटरडे को देखते हैं फिर कहाँ पे, अगले ट्यूसडे को फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं, तो नई लोकेशन पे। तो तब तक के लिए मस्त खुश रहो, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो आज का ब्लॉग इतना ही, बस बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।